हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके सामने खड़ी हुई है ब्रांड न्यू यामा MZS वर्जन 4 का न्यू वाइट कलर ऑप्शन। जी दोस्तों, ये MZS का नया वाइट कलर ऑप्शन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस बाइक का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट में आप इस बाइक को खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। वाइट कलर है, लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपकी डिमांड थी कि मैं इसका रिव्यू लेकर आऊँ, तो फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो का मतलब इस बाइक का रिव्यू लेकर आया हूँ। सो उम्मीद करता है वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप MZS के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, डिटेल में आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी ने एक नया कलर ऑप्शन लाया तो कंपनी ने प्राइस बढ़ाया होगा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं, कंपनी ने कोई भी जो इसका प्राइस नहीं बढ़ाया। आज भी दोस्तों आपको ये एक्सट्रीम प्राइस आते लगभग 129,700 रुपीज़, 129,700 रुपये के आसपास की आज भी आपको ये एक्सट्रीम प्राइस देखने को मिलती है। कंपनी ने दोस्तों इसका कोई भी प्राइस नहीं बढ़ाया, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि कलर ऑप्शन चेंज करने के इससे अलावा सिर्फ प्राइस बढ़ाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। हाँ, अगर कोई ज़्यादा अपडेट आया कंपनी तो प्राइस बढ़ाती तो अच्छा भी लगता, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है भाई, कंपनी ने इसका कोई प्राइस नहीं बढ़ाया। बाकी दोस्तों, नया वाइट कलर ऑप्शन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अलाविल आपको ऑरेंज देखने को मिल रहा है, उसका जो प्योर कलर है वो वाइट मैट आपको देखने को मिलता है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो कलर ऑप्शन है दोस्तों इस बाइक में ऑफर किया है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। और यामा है भाई, अच्छे अच्छे अपडेट लाता रहता है, कलर ऑप्शन चेंजेस करता रहता है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है यामा की, क्योंकि टाइम टू टाइम वो अपनी बाइकों में अपडेट लाता रहता है। ऐसी कई सारी कंपनियां जो बाइक में अपडेट नहीं लाएगी, भाई बाइक ला देती, छोड़ देती, भूल जाती है, तो इनकी कोई बाइक भी इनको अपडेट भी लाना है, ऐसा कुछ कंपनी करती नहीं है। चलिए रिव्यू में आते हैं। ठीक, रिव्यू में आने से पहले दोस्तों आपको बता दूँ, यामा की जो MZS एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन मार्केट में, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली बाइक है, लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और पसंद क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों एक्चुअल में एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा अच्छी जो बाइक है कंपनी ने बनाया है। और नो डाउट दोस्तों, जो MZS है, खासकर जो यामा की MZS सीरीज़ है भाई, वो भी ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि भाई कंपनी ने एक्चुअल में इस बाइक को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाया। चलिए रिव्यू में आते हैं दोस्तों। उससे पहले आप देख पा रहे हैं जो कलर है दोस्तों, आपको मैट कलर देखने को मिलता है। कंपनी ने काफ़ी अच्छे जो मैट कलर है इस बाइक में ऑफर किया हुआ, प्लस की मैट जो कलर है इसकी जो चमक है वो भी आपको अच्छी मिलेगी। फ्रंट में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जो मेन लाइट है, उसमें आपको LED जो DRL लाइट है दोस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। प्लस आपको वेड लाइट में बाइक में आपको फुली जो LED लाइट दोस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी। जी हाँ, फुली LED लाइट है इसमें, जिसकी इल्यूमिनेशन प्लस जो विजिबिलिटी वो भी आपको बाइक में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक। और यहाँ पे जो टर्न सिग्नल लैंप है वो भी आपको यहाँ पे दोस्तों LED आपको देखने को मिलेंगे। जी, कंपनी ने LED जो टर्न सिग्नल लैंप है इस बाइक में ऑफर किया हुआ है। लाइट की क्वालिटी प्लस विजिबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन मिलती है दोस्तों, आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलेंगे। सस्पेंशन की जो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कंपनी ने अच्छे सस्पेंशन दिए, सस्पेंशन में कंपनी ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ठीक। फ्रंट में जो टायर साइज़ देखने को मिलता है दोस्तों बाइक में आपको 180 के आसपास का जो टायर साइज़ दोस्तों आपको इस बाइक में फ्रंट में देखने को मिलेगा। 180 के जो टायर साइज़ काफ़ी अच्छा है। ब्रेकिंग के बारे में बात कर लूँ, ब्रेकिंग दोस्तों इस बाइक में आपको स्पेशल फीचर में सिंगल टायर और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको बाइक में देखने को मिलता है, ABS है, क्योंकि सिंगल टायर ABS आपको बाइक में देखने को मिलेगा। अगर बात करें प्लेट साइज़ के बारे में, तो फ्रंट में आपको बाइक में 282 के आसपास की जो प्लेट साइज़ है दोस्तों आपको बाइक में फ्रंट में देखने को मिल जाती है, जिसकी आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस में कोई डाउट नहीं है भाई, बाइक जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देती है और काफ़ी अच्छी बाइक आती है। आप चलते हैं इंजन की तरफ। इंजन टाइम इस बाइक में आपको 149 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2 वॉल्व SOC इंजन आपको बाइक में मिलेगा, ठीक। मैक्सिमम पावर में 12.4 का PS पावर जनरेट करती है। मैक्सिमम टॉर्क में आपको 13.3 के आसपास का जो टॉर्क आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा, यानी कि बाइक में आपको जो पावर एंड टॉर्क है दोस्तों वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जो परफॉर्मेंस है ना वो भी आपको बहुत तगड़ी देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस के मामले में कोई डाउट नहीं है, बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। फ्यूल सिस्टम आपको FI देखने को मिलेगा, जिसे फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं। कूलिंग सिस्टम एयर कूलिंग इंजन आपको बाइक में मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको नंबर ऑफ 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलते हैं दोस्तों। इसकी बोल साइज 57.3 mm है, स्ट्रोक इज 57.9 mm, ठीक। नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट जो क्लच है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। प्लस दोस्तों जो इंजन है वो भी आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत अच्छा जो इंजन है आपको मिलेगा। एक यामा का ब्रांड है भाई, जाहिर सी बात है इंजन की जो क्वालिटी वो आप तो बाइक में आपको बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। सो इंजन के मामले में दोस्तों ये बाइक बहुत अच्छी निकल कर आती है, क्योंकि पहले से अगर MZS चला रहा है, उनका अगर कोई एक्सपीरियंस रहा है MZS को लेकर, तो भाई वो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर करिएगा,
ताकि आने वाले समय में अपनी जो ऑडियंस अगर वो लेने की सोच रही है तो उनको हेल्प हो सके और ये बाइक खरीद सके। ठीक, चलिए बात करें इसके माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए माइलेज तो डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल पे, बट फिर भी दोस्तों ये बाइक आपको काफ़ी अच्छा माइलेज देगी। जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों ये बाइक मिनिमम आपको लगभग 55 to 60 के आसपास का माइलेज ये ऑफर कर देती है। 0 to 100 में इसको 15 सेकंड लगते हैं। टॉप स्पीड आपको लगभग 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। अगर पुश करेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा भी जाएगी, लेकिन ये कि टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं बाइक में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी ने काफ़ी अच्छी टॉप एंड परफॉर्मेंस दी है। अब इसके आपको रियर टेल लाइट दिखाता हूँ। रियर परफॉर्मेंस आप टेल लाइट देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले टेल लाइट दोस्तों LED देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। रियर में इस बाइक में आपको 140-60 के आसपास के जो टायर्स है दोस्तों आपको रियर में देखने को मिलेंगे। ये बाइक का एग्जॉस्ट है जो कि रियर में आपको काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट लोड भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। रियर में इस बाइक में आपको 220 mm के आसपास की जो डिस्क ब्रेक है वो दोस्तों आपको बाइक में रियर में देखने को मिल जाती है। ठीक, अब रियर में आपको जो सस्पेंशन है दोस्तों आपको मोनोसोक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। सस्पेंशन की जो क्वालिटी दोस्तों वो भी आपको बाइक की बहुत अच्छी मिल जाएगी। प्लस रियर फुटेज क्वालिटी भी आपको बाइक में बहुत अच्छी मिलती है। सीट में दोस्तों बाइक में आपको सिंगल सीट देखने को मिलता है, आपको स्प्लिट सीट देखने को नहीं मिलता। कंपनी ने नॉर्मल सिंगल सीट इस बाइक में ऑफर किया है। सीट की क्वालिटी हालांकि आपको यहाँ पर बाइक में बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों इस बाइक के फ्रंट में। देखिए यहाँ पे आपको E20 का बैचिंग मिल जाता है इसके टैंक में, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर की तरफ। स्पीडोमीटर के बारे में भी जो है बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप की देख लीजिए, कुछ इस टाइप का की आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर इस बाइक में आपको फुली जो है डिजिटल मीटर आपको बाइक में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे जो फीचर है दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। फीचर की यहाँ पे बाइक में आपको कोई कमी नहीं है। जैसे स्पीडोमीटर में स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ऑडोमीटर है, क्लॉक है, ABS लाइट है, फ्यूल गेज है, इकोनॉमिक राइडिंग इंडिकेटर है, प्लस जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोस्तों वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिलती है। मतलब फीचर वाइज भी बाइक बहुत अच्छी निकल के आती है। फीचर में दोस्तों इस बाइक में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी और फीचर्स के मामले में भी बाइक बहुत अच्छी निकल के आती है। प्लस दो स्विचेज है जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ब्रांड न्यू यामा FZS वर्जन 4 का डिटेल स्पेसिफिकेशन रिव्यू विथ वाइट कलर ऑप्शन। बाकी कलर कैसा लगा, बाइक कैसी लगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद। बुधवार करो।